अस्सलाम वालेकुम, लेसन नंबर 4 डे 2। टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए पार्ट है हमारे पास 167.9 प्लस 7.29। डेसिमल्स में नंबर है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना। जब भी हमें डेसिमल्स नंबर्स को ऐड करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन जो चीज़ है कि पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट हो, और अगर कोई डिजिट्स कम है, जैसा कि अब हम देखें यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 3। अब हम ये देखें, ये पॉइंट के नीचे अगर हम पॉइंट कर लें तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रही हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 डिजिट्स। तो हम ये 9 के बाद एक 0 लगा के इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 175.19। इसी तरह से बी पार्ट है, फर्स्ट में हमने प्लस किया है, सेकंड में हमने माइनस करना है। इसमें भी हमने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। अगर हमारे पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं होगा तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। हमने बेसिक जो ख्याल रखना है उसी चीज़ का रखना है कि पॉइंट के नीचे हमारा पॉइंट हो, और जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है वो उसी तरह से उसके साथ हो, और जो पहले वाले उसी के साथ हो, इनके पहले ही हो। तो हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800.101। इसी तरह से सी वाला है, पहले हम देख रहे थे दो दो नंबर्स को हम प्लस या फिर माइनस कर रहे थे, अब आ गए तीन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो अब इसमें क्या है, 31.9 प्लस 52.09 प्लस 49.009। अब इन तीन नंबर्स को हमने ऐड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये बड़ा नंबर है इसको पहले कर लेना, उसके बाद इससे छोटा ये है इसको नीचे रख लेना, फिर इसको, इन तीनों के इसी सीक्वेंस रखने के बाद आप लोग ऐड करना। अब देखो तो यहाँ पे क्या आया, इसमें अगर हम देखो तो 5 डिजिट्स हैं, इसमें कितने हैं, 4, इनके एक डिजिट क्या है, कम है। वो किस साइड पे कम है, यहाँ पे हम देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 डिजिट्स। मीन के पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट क्या है, कम है। तो हम 09 के बाद क्या लगा देंगे, 10। तो हमारे पास ये भी 5 डिजिट्स बन जाएंगे। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, मीन के 2 यहाँ पे क्या है, कम है। तो अब इसी सीक्वेंस से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे किस साइड पे कम है, तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो पॉइंट के बाद ही एक डिजिट आ रहा है, इनके 2 जीरो हमें 9 के बाद लगाने पड़ेंगे। तो हम 0s लगाने के बाद इन तीनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 132.999। डी वाले पार्ट में है 7846.119 इज टेकन अवे फ्रॉम 9000। मीन के टेकन अवे का मीनिंग ये है कि हमने इसमें से 9000 में से हमने माइनस करना है 7846.119 को। मीन के 9000 में से हमने इसको माइनस करना है। तो अगर अब हम देखें इसमें, इस नंबर को देखो तो इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा। अगर हम देखें तो ये कंप्लीट एक नंबर है विदाउट पॉइंट है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है। और जहाँ पे किसी भी नंबर में पॉइंट ना हो उसका मतलब होता है इसके एंड पे क्या है, पॉइंट। मीन कि हम ये 9000 के एंड पे क्या लगा सकते हैं, पॉइंट। इसका मतलब ये पॉइंट से पहले वाले सारे नंबर हैं, मीन कि ये 7846 के ऊपर आएंगे। आगे यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद हम यहाँ पे हम देखें तो कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3 जीरोस लगा देंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 1153.881। इसी तरह से ई वाला पार्ट है 132.5 एंड 632.005 ऑल टुगेदर में। मीन इन दोनों को हम ऑल टुगेदर का मतलब है इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 4 हैं। पहले हम यहाँ पे 2 जीरोस लगाएंगे, इसको कंप्लीट बनाएंगे। हमेशा जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा, अगर इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ना कम डिजिट्स आ रहे हैं,
इनके यहाँ पे हम देखें तो 3 है, तो यहाँ पे कितने हैं 1 डिजिट्स, हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं तो हम 5 के बाद 0 लगाएंगे, हम 5 से पहले 0 नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नंबर में 5 आ रहा है, तो हम पॉइंट से पहले तो 0 नहीं लगाएंगे, तो नंबर ये टोटल चेंज हो जाएगा, हम 5 के बाद 0 लगाएंगे, तो उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 764.505। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। इसका ए पार्ट है, इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स इफ ईच नंबर हैज अ डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस देन द नंबर कैन नॉट बी एडेड, इनके एक नंबर को हमने दूसरे नंबर में ऐड करना और दोनों के जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो चेंज है, मीन के अगर अब हम यहीं पे ले लें, ये एग्जांपल ले लें, ये पॉइंट के बाद क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसका पॉइंट के बाद है 1 डेसिमल प्लेस, तो उन्होंने कहा है कि अगर डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस है तो वो हम ऐड नहीं कर सकते, ये तो फॉल्स है क्योंकि हमने ये देखे फिलिंग द ब्लैंक्स में डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस तो हमने ऐड किया, हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है लाइक डेसिमल नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लाइक डेसिमल्स क्या है कि जिसके पॉइंट के बाद सेम डेसिमल प्लेसेस हो, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे तो डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है, इनकी इसकी 2 डेसिमल प्लेस है, इसकी 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये लाइक डेसिमल्स नहीं होंगे, अगर यहाँ पे भी 2 डिजिट्स होते और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स है तो फिर ये दोनों डेसिमल प्लेस, इसकी 2 डेसिमल प्लेस हो जानी थी, इसकी भी 2 डेसिमल प्लेस हो जानी थी, उसको हमने बोलना था लाइक डेसिमल places या like decimal number, तो like decimal numbers have the same numbers of decimal places, इनके उसके point के बाद अगर एक में 3 digits हैं तो दूसरे में भी 3 digits हों तो उसको हम बोलेंगे like decimals number, तो ये true है। The number 81.008 has 1 decimal places, ये false है क्योंकि यहाँ पे देखें तो point के बाद कितने digits हैं 3 digits हैं, तो इसके कितने डेसिमल प्लेसेस होंगी 3, इन्होंने बोला है 1 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या है फॉल्स। टू ऐड आर सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स अनलाइक डेसिमल्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज, मीन के अगर हमने किसी भी नंबर को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें उसके पहले जो डेसिमल्स प्लेसेस है उनको सेम करना पड़ेगा, मीन जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या था 2 डिजिट्स, तो पहले हमने ही देखा यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हमने यहाँ पे भी 2 डिजिट्स किए, मीन के सेम डेसिमल प्लेसेस किए, तो उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया ऐड, तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने किसी भी डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो अनलाइक डेसिमल्स नंबर अगर होंगे तो हम उसको पहले लाइक डेसिमल्स में करेंगे, इनके सेम डेसिमल प्लेसेस उसकी करेंगे तो उसको हम ऐड करेंगे, तो ये क्या है ट्रू। द नंबर 334.80 has 2 decimal places, इनके पॉइंट के बाद इसके कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, इसके कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं 2 हैं, ये क्या है ट्रू है। थैंक यू स्टूडेंट्स।